बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू क्लास प्रेप टू। कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे और अपनी प्रीवियस वर्किंग कंप्लीट कर रहे होंगे। तमाम आज हम जो वर्किंग करने जा रहे हैं बच्चों, वो हमारी आज 26th वर्किंग की वीडियो है। हमने 25th वर्किंग तक अपनी कंप्लीट कर ली है, आज हम 26th वर्किंग करने जा रहे हैं। 26th वर्किंग में पहले बच्चों सबसे पहले आपको निकालनी है इंग्लिश सीरीज़ में, इंग्लिश सीरीज़ स्टेप टू की बुक निकाल लीजिए। इंग्लिश सीरीज़ में बच्चों पेज नंबर निकालिए 41, पेज नंबर 41, ठीक है। पेज नंबर 41 पर हमें मिडिल लेटर्स दिए गए हैं, हेडिंग है हमारे पास राइट द मिडिल लेटर, यानी बच्चों हमें मिडिल लेटर लिखने हैं। मिडिल लेटर हम पहले भी सीख चुके हैं, वो लेटर्स जो हमारे पास सेंटर में आते हों, वो लेटर्स जो सेंटर में आते हों या बीच में आते हों। यहाँ हमारे पास थ्री लेटर वर्ड्स की पिक्चर्स हैं, जैसे सबसे फर्स्ट पिक्चर हमारे पास है खैन। तो बच्चों खैन की स्पेलिंग हमारे पास होती है ख एन खैन। अब यहाँ पर इन्होंने ख दिया गया है हमारे पास और न भी दिया गया है, लेकिन सेंटर में यानी बीच में जो लेटर आना है, क्या लेटर आना है हमारे पास सेंटर में? ए। ए यहाँ पर मिसिंग है और ए हमारे पास कहाँ दिया गया है? सेंटर में। तो जो लेटर्स हमारे पास सेंटर में आते हों उन्हें हम क्या कहते हैं? मिडिल लेटर्स। क्या कहते हैं हम उन्हें? मिडिल लेटर्स, यानी बीच में आने वाले लेटर्स। तो हमने देखा खैन की स्पेलिंग हमारे पास होती है ख ए न, खैन। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ख दिया गया है हमारे पास और कौन सा लेटर मिसिंग है? ए। तो हम यहाँ पर ए लिखेंगे और ख और न की हम ट्रेसिंग कर लेंगे। इस तरह ये हमारा वर्ड कंप्लीट हो गया है, ख एन खैन, ख एन खैन, ख एन खैन। नेक्स्ट पिक्चर बच्चों हमारे पास है वैन, स्कूल वैन होती है ना जिसमें बच्चे स्कूल आते हैं। तो वैन की स्पेलिंग बच्चों हमारे पास होती है व ए न, वैन। पेज नंबर 40 पर हमने ये रीड आउट किए थे। तो हमारे पास व दिया गया है और न दिया गया है, मिडिल लेटर हमारे पास मिसिंग है और मिडिल लेटर कौन सा है यहाँ पर? ए। व ए न, व एन वैन, व एन वैन, व एन वैन। नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास फैन, क्या बनाए है ये? फैन। फैन की स्पेलिंग बच्चों हमारे पास होती है फ ए न, और यहाँ पर फ और न दिया है, मिडिल लेटर हमारे पास मिसिंग है और मिडिल लेटर कौन सा होगा? ए। तो हम ए लिख देंगे और फ और न की ट्रेसिंग कंप्लीट करेंगे, फ एन फैन, फ एन फैन, फ एन फैन। नेक्स्ट पिक्चर हमारे पास जो दी गई है पैन, पैन। पैन की स्पेलिंग बच्चों हमारे पास होती है प, पैन की हमारे पास जो स्पेलिंग होती है प ए न, पैन। यहाँ पर प गिवन है, न भी गिवन है, हम पहले ट्रेसिंग कर लेंगे इनकी, प की और न की, और मिडिल लेटर हमारे पास क्या होता है? ए। तो हम ए लिखेंगे यहाँ पर इस तरह, ये बन जाएगा प एन पैन, प एन पैन, प एन पैन। नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास बैन, तो बैन की स्पेलिंग होती है बच्चों ब ए न, ब एन, और यहाँ पर ब भी गिविन है, न भी गिविन है, क्या मिसिंग है? मिडिल लेटर यानी ए। तो हम ब और न की ट्रेसिंग करेंगे और ए लिखेंगे, ब एन बैन, ब एन बैन, ब एन बैन। लास्ट हमारे पास पिक्चर है मैन, मैन की स्पेलिंग हमारे पास होती है उम ए न, मैन।
हमारे पास न दिया गया है और एंडिंग लेटर न दिया गया है, लेकिन मिडिल लेटर जो कि हमारे पास है ए, ये मिसिंग है, तो हम ये भी लिखेंगे न और न की ट्रेसिंग करने के बाद मिडिल लेटर ए मिसिंग है, ये हम लिख लेंगे। क्या बन गया? न एन मैन, न एन मैन, न एन मैन। इस तरह से बच्चों आपको ये पेज कंप्लीट करना है। एक बार और रीड आउट कर लेते हैं हम। ख एन खैन, खैन खैन खैन। व एन वैन, वैन वैन वैन। एन फैन, फैन फैन फैन। प एन पैन, पैन पैन पैन। ब एन बैन, बैन बैन बैन। म एन मैन, मैन मैन मैन। इस तरह से बच्चों आपको इंग्लिश सीरीज़ में पेज नंबर 41 कंप्लीट करना है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। जी बच्चों, अब जो हमारी नेक्स्ट वर्किंग है वो है हमारी नंबर सीरीज़ स्टेप 2। तमाम बच्चे मेरे साथ नंबर सीरीज़ की बुक निकाल लीजिए। जी, नंबर सीरीज़ में बच्चों आपको पेज नंबर निकालना है 43। पेज नंबर 43 निकाल लिया सबने? वेरी नाइस। पेज नंबर 43 यहाँ मैंने बोर्ड पर बनाया है। पेज नंबर 43 पर हमारे पास बच्चों काउंटिंग दी गई है। राइट काउंटिंग 101 to 150, यानी हमें 101 से 150 तक काउंटिंग लिखनी है। ये काउंटिंग बच्चों हम पहले भी कर चुके हैं, तो तमाम बच्चों को ये काउंटिंग आनी चाहिए और कोशिश यही करनी है कि ये काउंटिंग तमाम बच्चे खुद से ही लिख लें। अगर आपको खुद से ये काउंटिंग लिखना आ जाए तो वेरी गुड, और अगर नहीं आती तो अभी मेरे साथ साथ लिखें और फिर इस काउंटिंग को याद भी कर लीजिएगा। शुरू करें, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? 101, 101। इसी तरह इसी राइटिंग में लिखना है तमाम बच्चों ने। बॉक्स से आपके जो नंबर्स हैं वो आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाने चाहिए, बॉक्स से बाहर नहीं जाने चाहिए, ठीक है? बॉक्स से अंदर ही लिखने हैं और लाइन से टच करके, ठीक है? साफ सुथरी राइटिंग। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। 100 की लाइन में हमने 1 लिखा और 10 और यूनिट में हमने 10 लिखा, 110, ठीक है? 110 बन गया। अब 110, 10 के बाद हमारे पास 11 आता है, 100, हम 100 में 1 लिखेंगे तो ये 100 बन जाएगा, और 10 और यूनिट में हम 11 लिखेंगे तो ये 11, 111, 111। फिर 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, एंड 19 के बाद 120 के बाद हमारे पास 121 से स्टार्ट करेंगे। 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
130. अब 130 के बाद हम 131 से स्टार्ट करेंगे. 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 and 39 के बाद 140. ठीक है, 40 के बाद हम 141 से स्टार्ट करेंगे. 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150. इस तरह से ये पेज आपको कंप्लीट करना है बच्चों. इसके बाद नंबर सीरीज़ की ही बुक में पेज नंबर है आपके पास 44. अभी हमने 43 कंप्लीट किया है, अब हम चलते हैं 44 पेज पर. तमाम बच्चे पेज नंबर 44 निकाल लीजिए. निकाल लिया, वेरी नाइस जी बच्चों. अब हमारी जो 44 पर वर्किंग है वो भी काउंटिंग है. कहाँ से है पढ़िए, राइट काउंटिंग. 151 to 200, यानी हमें 151 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है. कहाँ से स्टार्ट करनी है काउंटिंग, 151 से. तो ये काउंटिंग भी हम पहले कर चुके हैं, स्टार्ट करते हैं. 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 and 169 के बाद 160 के बाद 161 से स्टार्ट करेंगे. 161 161 152 161 162 161 167 178 179 and 180.
180 के बाद हम 181 से स्टार्ट करेंगे. 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, and 190. 190 के बाद बच्चों 191 से स्टार्ट करेंगे. 4 के बाद हमारे पास क्या आता है 195, 196, 197, 198, and 199. और यहाँ हमारे पास हो जाएंगे 200. इस तरह से हमें नंबर सीरीज़ में, अपनी मैथ्स की नंबर सीरीज़ में पेज नंबर 44 पर काउंटिंग कंप्लीट करनी है. पेज नंबर 43 और पेज नंबर 44. सबसे पहले हमने पेज नंबर 43 पर 151 से 150 तक कंप्लीट की. इसके बाद हमने पेज नंबर 44 पर 151 से 200 तक काउंटिंग कंप्लीट की. ये काउंटिंग कंप्लीट करने के बाद बच्चों अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ. बच्चों अब हमारी जो नेक्स्ट वर्किंग है वो है हैप्पी किड सीरीज़ की बुक में, इंग्लिश की बुक में. तमाम बच्चे मेरे साथ हैप्पी किड सीरीज़ की इंग्लिश की बुक निकाल लीजिए. इंग्लिश की बुक में पेज नंबर निकालिए 16, ठीक है. पेज नंबर है आपके पास 16. बच्चों पेज नंबर 16 पर हमें यूनिट 3 दिया गया है. हमने यूनिट 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं. वोवेल ई साउंड, यानी वोवेल ई साउंड, यानी हमें जो कुछ लेटर्स दिए गए हैं और उनके साथ कौन सा वोवेल ई साउंड हमें लगाकर दिया गया है, इसको हमें रीड करना है. मेरे साथ फर्स्ट जो हमारे पास वोवेल ई साउंड का के साथ लेटर लगा हुआ है, इन पर फिंगर रखें. ब, ई, बी, ड, ई, डी, ई, फी, ग, ई, गी, ई, ही, ज, ई, जी, क, ई, की, ल, ई, ली, म, ई, मी, न, ई, नी, प, ई, पी, र, ई, री, स, ई, सी, ट, ई, टी, आ, ई, ई, व, ई, वी, वा, ई, वी, या, ई, यी, ज, ई, जी. इनको रीडिंग करने के बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पर फोनेटिक वर्ड्स दिए गए हैं वोवेल ई साउंड के, यानी ये वो वर्ड्स हैं जिनके सेंटर में वोवेल ई साउंड आ रहा है. हम इनकी रीडिंग करते हैं. ब, ई, ब, ब, इब, बिब, ब, इब, बिब,
ब इब बिब, ब इ ग, ब इग बिग, ब इग बिग, ब इग बिग, ब इ न, ब इन बिन, ब इन बिन, ब इन बिन, ब इट, ब इट बिट, ब इट बिट, ब इट बिट, ड इ ग, ड इग डिग, ड इग डिग, ड इग डिग, ड इ म, ड इम डिम, ड इम डिम, ड इम डिम, ड इ प, ड इप डिप, ड इप डिप, ड इप डिप, इ ग, इग फिग, इग फिग, इग फिग, इ न, फ इन फिन, इन फिन, फ इन फिन, फ इ ट, फ इट फिट, फ इट फिट, फ इट फिट, इ ड, हा इड हिड, हा इड हिड, हा इड हिड, क इ ड, क इड किड, क इड किड, क इड किड, ल इ ड, ल इड लिड, ल इड लिड, ल इड लिड, ल इ प, ल इप लिप, ल इप लिप, ल इप लिप, ल इ ट, ल इट लिट, ल इट लिट, ल इट न ए ब, निब, न एब निब, न एब निब, न एब निब, र ए ब, र एब रिब, र एब रिब, र एब रिब, र इ म, र इम रिम, र इम रिम, र इम रिम, इ प, इप सिप, इप सिप, इप सिप, इ ट, इट सिट, इट सिट, इट सिट, ट इ न, ट इन टिन, ट इन टिन, ट इन टिन, व इ म, व इम विम, व इम विम, व इम विम, व इ न, व इन विन, व इन विन, व इन विन, व इ ग, व इग विग, व इग विग, व इग विग। अब इन वर्ड्स को, फोनेटिक वर्ड्स को हम अगेन रीड आउट करते हैं। बिब, बिब, बिग, बिन, बिट, डिग, डिम, डिप, फिग, फिन, फिट, हिट, किड, लिड, लिप, लिट, निब, रिब, रिम, सिप, सिट, टिन, विम, विन,
विग। इस तरह से यूनिट 3 यानी पेज नंबर 16 की तमाम बच्चों को रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद बच्चों अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। अब जो हमारी नेक्स्ट वर्किंग है बच्चों वो है उर्दू कायदा सिलसिला दोम। उर्दू कायदा की तमाम बच्चे बुक्स निकाल लीजिए। उर्दू कायदा सिलसिला दोम में सफ़ा नंबर 15 निकालिए। सफ़ा नंबर 15 पर हमारे पास हमें रीडिंग करनी है। चैप्टर है बोलो बोलो बोलो। फर्स्ट लाइन पर आते हैं हम। पहली लाइन पर फिंगर रख लीजिए। बोलो राना बोलो बोलो राना बोलो। बाबा को बोलो बाबा को बोलो। आटा तोलो आटा तोलो। रानी को बोलो रानी को बोलो। खाना पकाओ खाना पकाओ। तुम सब मिलकर खाना खा लो तुम सब मिलकर खाना खा लो। अगेन रीड आउट करते हैं। बोलो बोलो राना बोलो। बाबा को बोलो आटा तोलो। रानी को बोलो खाना पकाओ। तुम सब मिलकर खाना खा लो। इस तरह से बच्चों आपको सफ़ा नंबर 15 की रीडिंग करनी है उर्दू कायदा में। अब जो हमारी बच्चों नेक्स्ट वर्किंग है वो है नंबर सीरीज़ हैप्पी किड सीरीज़ की नंबर मैथ्स की बुक में। हैप्पी किड सीरीज़ की बुक निकाल लीजिए तमाम बच्चे। पहले हैप्पी किड सीरीज़ में बेटा पेज नंबर निकालना है आपको 20। ठीक है पेज नंबर 20 पर हमारे पास यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। लेट्स डू इट यानी ये हमें सॉल्व करना है। राइट द नंबर्स इन द बॉक्सेस फॉर ईच नंबर नेम यानी हमें हर नंबर का एक हर नंबर नेम दिया गया है और हर नंबर नेम में उसका हमें नंबर लिखना है। जैसे यहाँ ONE 1 तो हमें यहाँ इसका नंबर लिखना होगा 1। ठीक है एंड ज्वाइन देम इन सीक्वेंस टू फाइंड द पिक्चर एंड कलर। फिर हमें जब हम नंबर लिख लेंगे तो हम नंबर को आपस में ज्वाइन करते जाएंगे और जो हमारे पास पिक्चर हमारे पास नंबर ज्वाइनिंग के बाद हमारे पास जो पिक्चर आएगी उस पिक्चर में हमें करना होगा कलर। सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ONE 1 दिया गया है तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। फिर TWO 2। फिर यहाँ पर हमें 3 दिया गया है। फिर 4 यहाँ पर 5 दिया गया है। यहाँ 6 फिर 6 के बाद यहाँ हमें 7 दिया गया है। 8 8 के बाद यहाँ हमें 9 दिया गया है। 9 के बाद यहाँ 10 दिया गया है। 10 के बाद 11 आता है और 11 यहाँ है हमारे पास। फिर 11 के बाद यहाँ 12 मौजूद है। 12 के बाद यहाँ पर 13 13 के बाद यहाँ 14 15 यहाँ पर है हमारे पास 16 और 16 के बाद 17 ये रहा हमारे पास SEVENTEEN 17 के बाद 18 है हमारे पास यहाँ और 19 और लास्ट में 20 यहाँ पर मौजूद है। इस तरह से तमाम बच्चों को हमें ये तमाम बच्चों को बुक में अपने नंबर्स लिख लेने हैं। ठीक है हर इनवर्ड्स में उनके नंबर लिखने हैं। जो इनवर्ड्स है उसके बॉक्स में वही नंबर लिखना है। जैसे ONE 1 है तो यहाँ हम 1 ही लिखेंगे। यहाँ TWO 2 है तो यहाँ हम 2 ही लिखेंगे। ठीक है 1 से 20 तक नंबर्स गिवन है हमारे पास। हमने ये नंबर कंप्लीट कर लिए। अब हम 1 कहाँ था हमारे पास ये रहा। यहाँ हमें डॉट भी गिवन है और यहाँ 1 के बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है 2। तो हम 1 को 2 के डॉट से मैच करेंगे।
किस तरह, ये रहा 1 का डॉट और ये रहा 2 का डॉट, इस तरह से। फिर 2 के बाद क्या आता है बच्चों हमारे पास, 3, तो हम 2 को 3 के डॉट से ज्वाइन करेंगे, ये इस तरह। और 3 के बाद हमारे पास 4 आता है, तो 4 के डॉट से हम ज्वाइन करेंगे इस तरह। फिर 4 को हम 5 के डॉट से ज्वाइन करेंगे इस तरह। और फिर 5 को हम किसके, 6 के डॉट से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। फिर 6 को हम 7 के डॉट से ज्वाइन करेंगे, बहुत ध्यान से ऐसे। और 7 को 8 के डॉट से ज्वाइन करेंगे ऐसे। और 8 को 9 के डॉट से, 9 का डॉट यहाँ पर है हमारे पास, नंबर 9 के पास है हमारे पास ये डॉट, इस तरह, ठीक है। अब 9 को जब हमने ज्वाइन कर लिया, तो 9 के डॉट को हम 10 से ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये हमें इसी लाइन पर ट्रेस करते हुए लाना है ऐसे, और यहाँ से हमें ऐसे ज्वाइन करना है, ठीक है। और फिर 10 को हम 11 से, इसी तरह जिस तरह हमने 9 से किया था, 10 को हम यहाँ इस लाइन से ज्वाइन करते हुए, ट्रेसिंग करते हुए, और ऊपर की तरफ 11 के डॉट से हम ज्वाइन कर देंगे। फिर हमारे पास 11 के बाद नंबर आता है 12, ये रहा हमारे पास 12 का डॉट, ठीक है, ये रहा। अब हम 11 को 12 के डॉट से ज्वाइन करते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर हमारे पास 12 के बाद आएगा 13, 13 यहाँ पर है हमारे पास, तो हम यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। फिर 14 आएगा, 14 यहाँ पर मौजूद है, 14 की तरफ ले जाते हैं। और 14 के बाद हम 15 पर आएंगे, 15 के बाद 16, ये रहा 16 का डॉट, यहाँ पर मौजूद है 16 के नंबर के पास। 16 के बाद बच्चों हमारे पास 17 आता है, और ये रहा हमारे पास 17, तो 17 के डॉट से ज्वाइन करेंगे। फिर हमारे पास आता है 18, तो 18 के डॉट से ज्वाइन करते हैं ऐसे। 18 के बाद हमारे पास आता है नंबर 19, 19 के डॉट से ज्वाइन करते हैं। 19 के बाद हमारे पास नंबर होगा 20, तो हम 20 के डॉट से इस तरह इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास पिक्चर आई है हमारे सामने, कौन सी पिक्चर है ये, बटरफ्लाई, कौन सी पिक्चर है ये, बटरफ्लाई। अब तमाम बच्चे इस पिक्चर में कलर करेंगे ऑरेंज कलर, ठीक है, कौन सा कलर करेंगे, ऑरेंज कलर। और ऑरेंज कलर इस बटरफ्लाई में आपको हुआ हुआ नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, अपनी स्क्रीन पर से, और स्क्रीन से आप लोग देख रहे होंगे ये कलर, ठीक है। इस तरह आपको ये कंप्लीट करना है कलर। इसी के साथ हमारी आज की वर्किंग कंप्लीट हुई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।